outstanding and keep it up, India, first of all, because they are killing in this World Cup. वो कत्ल कर रहे हैं जो आरन के सामने. कैप्टन उनका दिलेर है, वो खुद अपनी विकेट की परवाह नहीं करता. ही इज डूइंग आउटस्टैंडिंग और लाइक उनका हर प्लेयर, हम अभी कोई प्लेयर उनका कह ही नहीं सकते कि दैट वो गलत कर रहा है. इंडिया की ये जीत से इंडिया टॉप फोर में तो पहुंच गया, नो डाउट टॉप फोर में पहुंच गया और वेल डन इंडिया, अच्छा परफॉर्म किया. ये देखेंगे भारत की अप्रोच है, आपको पता पांड्या कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. पांड्या गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा, दे टुक चांस, उन्होंने देखा है वो अपना हर प्लेयर आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी ये जो नॉकआउट स्टेज इससे पहले जो मैचेस हो रहे हैं वो हलवा हो गए हैं, तो वो हर प्लेयर ट्राई कर रहे हैं. और अब उनके पास टीम है, वो कोई एक रिप्लेसमेंट लेंगे, रोहित शर्मा की जगह कोई भी प्लेयर हो सकता है और वो उसको रखेंगे, क्योंकि फाइफर मारा है और वो अपनी फॉर्म में है. तो उनके पास एक और मजीद अच्छी खुशखबरी आ गई. भारत के कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस दफा वर्ल्ड कप, कौन सी टीम लेके जा रही है? 99% भारत के चांसेस हैं. स्टैट्स पे हम बात करेंगे, वो आगे लक दूर की बात है. शायद जिस तरह वो जा रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. आपका नाम? अमीर हमजा. अमीर हमजा, मुझे ये बताओ, पांच मैच मुसलसल भारत ने विन कर लिए हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जीत गया है, क्या कहना चाहोगे आज की इस बड़ी जीत के ऊपर? आउटस्टैंडिंग एंड कीप इट अप इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज दे आर किलिंग इन दिस वर्ल्ड कप. वो कत्ल कर रहे हैं जो आरन के सामने, ऐसे बिछवार के फेंक रहे हैं. लेकिन मैं बताऊँ, उन्होंने ना तीन टीमें हर टीम को अपने लिए बनाया है, जो थोड़ी लो लेवल की, उसको जिम्बाब्वे, उससे ऊपर बांग्लादेश और श्रीलंका. लाइक वो इतना को डोमिनेंट प्ले कर रहे हैं, लाइक दे आर किलिंग एवरीवन. वो इतना उनका हाई मोमेंटम, इतना कॉन्फिडेंस, कैप्टन उनका दिलेर है, वो खुद अपनी विकेट की परवाह नहीं करता. ही इज डूइंग आउटस्टैंडिंग और लाइक उनका हर प्लेयर, हम अभी कोई प्लेयर उनका कह ही नहीं सकते कि दैट वो गलत कर रहा है, वो अपने लिए खेल रहा है. लाइक उसकी फॉर्म नहीं अच्छी जा रही, उनका हर एक प्लेयर इतना को अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि हम अब कह सकते हैं कि इंडिया इस वर्ल्ड कप को लेकर जा सकता है. पांच मैच खेले हैं, रोहित शर्मा का जो टेरर है वो हर टीम के अंदर आपको नजर आया है. आखिर क्या वजह है कि एक हमारे बाबर आजम है और एक उनके रोहित शर्मा है, इतना मेजर डिफरेंस दोनों में? मेन डिफरेंस, जब विराट कोहली को भी याद रखें, विराट कोहली की फॉर्म नहीं चल रही थी, एज अ टीम भी वो बेरागर खड़ा रहा था अपनी टीम का, और एज अ कैप्टन और एज अ प्लेयर वो भी नहीं परफॉर्म करता. कैप्टनसी ली, नाउ यू कैन सी न्यू विराट कोहली. और सरफराज अहमद को आप देख लें, सरफराज अहमद अपनी हर बॉल पे टीम को गैदर करके लगता था. अच्छी बॉल हो एप्रिशिएशन, गंदी बॉल हो बताता, ये नहीं करना, छक्का खाया दांत है. लेकिन ये जो हमारा बाबर आजम है, ये सुन बैठा रहेगा, कुछ नहीं कहेगा, खुद मुंह बना लेगा, बॉलर दे के खुद परेशान हो जाता है, ये बहुत गलत करता है. लेकिन अब हमें अच्छा कैप्टन चाहिए जो हर बॉल पे गैदर करे. और मैं कहता हूँ कि इनको रिजवान को कैप्टन बना देना चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री रही है कि विकेट कीपर कैप्टन बहुत अच्छे रहे हैं टीम के लिए. जगह आज मोहम्मद शमी को खिलाया था, पांच विकेटें जो है आज के मैच में उन्होंने लिए, क्या कहना चाहोगे आने वाले मैचेस में कितना मजीद भारत जो है वो प्रेशर बिल्ड करने जा रहा है? ये देखेंगे भारत की अप्रोच है, आपको पता पांड्या कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है. पांड्या गंदा नहीं परफॉर्म कर रहा, दे टुक चांस, उन्होंने देखा है वो अपना हर प्लेयर आगे के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अभी ये जो नॉकआउट स्टेज इससे पहले जो मैचेस हो रहे हैं वो हलवा हो गए हैं, तो वो हर प्लेयर ट्राई कर रहे हैं. और अब उनके पास टीम है, वो कोई एक रिप्लेसमेंट लेंगे, रोहित शर्मा की जगह कोई भी प्लेयर हो सकता है और वो उसको रखेंगे, क्योंकि फाइफर मारा है और वो अपनी फॉर्म में है. तो उनके पास एक और मजीद अच्छी खुशखबरी आ गई है कि उनका शमी भी फॉर्म में आ गया. इधर बहुत से लोग पिचेस की बात करते हैं कि उन्होंने पिचेस अपनी मनपसंद बनाई हुई हैं, हम इसलिए हार रहे हैं कि भारत की सरजमीन पर हैं, उधर की पिचे हैं. लेकिन भारत की टीम पर वो पिचे असरअंदाज नहीं हो रही, हर बड़ी टीम को हरा रहा है. पाँच मैच खेले हैं, पाँचों मुसलसल विन किए हैं, क्या कहना चाहोगे, पिचों का चक्कर है या हमारी नाकामी है जिसको हम छुपा रहे हैं पिचों पे रखे? मैं आपको तफसीलन बताऊं, एक तो उनको होम ग्राउंड कंडीशन है, लेकिन मैं बताऊं, जब भी न्यूजीलैंड आज बैटिंग कर रही थी ना, लाइक उनके चौके ना नामुमकिन से थे, वो मार रहे थे. 10 ओवरों में 16 स्कोर और 2 आउट, आप अंदाजा करो उस टीम का जिसने बाकी सारी टीमों उसके खिलाफ मैच जीता था. मेरी सुने, लाइक वो उनकी जो आउटफील्ड थी ना, वो इतनी को स्लो थी, जितनी मर्जी तेज हिट कर लें बाउंड्री के पास जाके रुक जाती थी. लेकिन जब भारत की बारी आई है, वो क्लिक करते थे, बोल जाती थी, अरे दोनों के ये भारत की बारी में क्यों आउटफिट होती है. ये अब कहेंगे कि ओस का इससे कोई असर नहीं होता कि बॉल तेज जाए, ये कोई इन्होंने गड़बड़ की है, पिच में कोई ऐसा रूला फेरते हैं कि कुछ फर्क आता है. ये पाकिस्तानी होने के नाते आप कह रहे हो या वाकई लगता है आपको? नहीं, ओवरऑल गौर किए अगर आप भी देखें ना, जो क्रिकेट लवर होता है ना, उसको पता होता है जिस तरह वो टाइम कर रहे थे चौके बनते थे, लेकिन अब वो रोहित शर्मा शुभमन गिल हल्की सी क्लिक कर रहा है, बॉल छूतर जा रही है, तो ये गलत बात. फाइनल है में क्या लग रहा है, भारत के कितने स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं इस दफा वर्ल्ड कप, कौन सी टीम लेके जा रही है?
99% भारत के चांसेस हैं। स्टैट्स पे हम बात करेंगे, वो आगे लक दूर की बात है। शायद जिस तरह वो जा रहे हैं, लग रहा है एक दफा फिर भारत लेके जा रहा है वर्ल्ड कप। लेकिन हमारी दुआ है कि पाकिस्तान भी आगे कुछ कर ले, नहीं तो उम्मीद तो कोई नहीं है। उम्मीद कोई नहीं है, आने वाले मैचेस में क्या होने जा रहा है। लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम, और आगे जाने वाले मैचेस पे अब इनको थोड़ी अक्कल आनी चाहिए। फेवरेट प्लेयर कौन सा है भारत की टीम में आपका, कोस प्लेयर की सबसे पसंद करते हो आप? जो उनकी परफॉर्मेंस जा रही है ना, हर प्लेयर ही फेवरेट हुआ है। जो लास्ट मैसेज देना चाहोगे? मेरा चैनल है यूट्यूब पर हमजा व्लॉग 613, मैं फूडी व्लॉग बनाता हूँ, हमजा व्लॉग 613, आप सबने सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जरूर चैनल जाके सब्सक्राइब करें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, 5 मैच मुसलसल भारत ने विन कर लिया, न्यूजीलैंड के खिलाफ भी जो है न्यूजीलैंड को शिकस्त दे दी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देख रहे हैं भारत की इस जीत को आप? नो डाउट कि भारत बहुत अच्छा खेल रही है, कि उनको बेनिफिट है कि उनका होम ग्राउंड है, और इसी का वो अच्छा फ़ायदा उठा रहे हैं और अपनी जीत को कंटिन्यू कर रहे हैं। और जैसे वो खेल रहे हैं और नज़र भी आ रहा है, तो वो वर्ल्ड कप फाइनल खेलेंगे, तो तकरीबन 80-90% चांस इसी चीज़ के हैं कि वो फाइनल भी जीतेंगे। इस दफ़ा वर्ल्ड कप आप कह रहे हैं भारत लेके जा रहा है, एज अ पाकिस्तानी 90% आपको चांस लगते हैं कि ये वर्ल्ड कप भी भारत का है? जी ऐसे ही है, 90% चांस है। 10% चांस आप कह सकते हैं कि बैड लक, या इस वजह से कह सकते हैं कि वो इस टाइम फेवरेट टीम है। और फेवरेट टीम बाय चांस होता है कि फेवरेट टीम नहीं जीतती, लेकिन उनकी आप टीम देख लें, मैनेजमेंट देख लें, हर लिहाज से वो अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं और नंबर वन टीम है, और इसमें नो डाउट के वो जीत सकते हैं। सर, मोहम्मद शमी को जो है वो आज खिलाया गया है, 5 विकटें उन्होंने जो है वो ली हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहले नहीं खेल रहे थे, आए हैं और 5 विकटों के साथ जो है उन्होंने एंट्री दी है। यार इस पर क्या ही कहें, समझ नहीं आता। इंडिया का कोई भी प्लेयर है वो खिला लें वो परफॉर्म कर जाता है। मोहम्मद शमी नहीं खेल रहा था वर्ल्ड कप, वो आया उसने 5 विकेटें ले ली। पहले तो हार्दिक पांड्या की रिप्लेसमेंट पर आया वो, लेकिन बिल्कुल लेकिन हार्दिक पांड्या भी अच्छा प्लेयर है, लेकिन समझ नहीं आ रही बंदा क्या कहे इनको, कि इतनी अच्छी टीम, और जैसे कि वो इंडियंस कहते हैं कि भाई हमारी ABC जो टीम है वो भी दूसरी टीमों पर भारी हो सकती है, वो दिख रहा है। पाकिस्तान में बहुत से लोग कहते हैं कि इंडिया की बॉलिंग लाइन नहीं है, बॉलिंग लाइन तो पाकिस्तान के पास है। इंडिया पाक मैच में क्या हुआ था, वो बॉलिंग लाइन हम पे वो हो गई? 5 मैच खेले हैं, 5ों में भारत ने बदतरीन शिकस्त दी अपने मुखालफीन को जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अंदर। बॉलिंग लाइन अच्छी है तो मुसलसल 5 जीते हैं, हम बातें ही करने में क्यों लगे हुए हैं, परफॉर्मेंस से क्यों नहीं हम साबित कर रहे? परफॉर्मेंस हमारी अच्छी है, नो डाउट। सर क्या अच्छी है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ देख लें, इंडिया के खिलाफ देख लें, वार्म अप में बड़ी टीमों के ऊपर देख लें आप, हम कर क्या रहे हैं? छोटी टीमों से जीत के हम चाहते हैं कि हमें उस तरीके से वो किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। सर आप कह सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो अभी जो मैनेजमेंट ना, मेरे ख्याल में जो अब इशू आ रहा है हमारी मैनेजमेंट का आ रहा है, हर तीसरे माह तो हमारा PCB चेयरमैन चेंज हो जाता है, ठीक है। वो जो नया बंदा आता है वो अपने नए माइंडसेट के साथ आता है, उसकी एक अलग सोच होती है। मेरे ख्याल में सबसे जो वीक पॉइंट है हमारा इस टाइम पर यही है, जिस वजह से प्लेयर कंटिन्यू नहीं कर पा रहे। एक बंदा आ रहा है वो कह रहा है आपने इस तरह कंटिन्यू करना, दूसरा आ जाता है 3 माह बाद 6 माह बाद आप देख ही रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी ज़्यादा बुरा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसको पे मुझे ये बताओ, आज की जीत कितनी बड़ी जीत है? इंडिया की ये जीत से इंडिया टॉप 4 में तो पहुँच गया, नो डाउट टॉप 4 में पहुँच गया, और वेल डन इंडिया, अच्छा परफॉर्म किया, बट कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी वर्ल्ड कप है, इंडिया जीत भी सकता है।